हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कर्नाटका का वन ऑफ द फेमस मेगा किचन। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। वीडियो को लाइक करे, दोस्तों शेयर करे, चैनल पर अंदर चैनल को सब्सक्राइब करे। तो चलिए देखते हैं, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भारत के कर्नाटका के टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित श्री सिद्धगंगा मठ एक ऐसा मठ जहाँ पर भारत से रोजाना 1000 से ऊपर लोग दर्शन के लिए आते हैं, और साथ में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर करीबन 10,000 के ऊपर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक तरह का गुरुकुल है जिसमें ज्यादातर वो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे किसी भी तरह का जाति भेदभाव नहीं होता है, बस बच्चों में शिक्षा की भूख देखी जाती है। ये गुरुकुल बहुत सारी चीज़ों की वजह से फेमस है, और यहाँ पे खाना बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बनाया जाता है, और सारे लोगों को यहाँ पे खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो या फिर लंच। हर रोज यहाँ पे खाने में 5 चीज़ें बनाई जाती है। और 10,000 से लेकर 20,000 तक लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड की जाती है, जिसमें गुरुकुल के बच्चे भी शामिल है। तो कहानी के अनुसार ये मठ 14th सेंचुरी में शुरू किया गया था बाय श्री हरदान अली गौशाला सिद्धेश्वर। ही वॉज द पिताचार्य ऑफ निरंजना जगत गुरु, जो कि एक और मठ था। उसके बाद उन्होंने ये लीडरशिप उनके नेक्स्ट पिताचार्य को हैंडओवर कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने 101 फॉलोअर्स के साथ शिवगंगा चले गए टू क्रिएट हिज ओन इंडिपेंडेंट प्लेस फॉर हिज रिलीजियस वर्क। उसके बाद वो एक पहाड़ में जा बसे जिसे केता समुद्र कहा जाता था, और करेंटली इसे केत संद्रा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहाँ रहने के लिए 101 केव बनाए उनके फॉलोअर्स के लिए, जहाँ पे वो स्टडी और मेडिटेशन कर सकते थे, और वहीं से कहानी शुरू हुई इस मठ की। यहाँ पर एक्चुअली 2 किचन है, एक किचन जिसमें बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, और दूसरा दर्शन के लिए आए हुए लोगों के लिए। बच्चों के लिए बहुत विशाल डाइनिंग हॉल बनाया गया है जिसमें बच्चे बैच वाइज 3 वक्त का खाना खाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे रोज का खाना बनता होगा। तो अभी करेंटली लंच का प्रिपरेशन हो रहा है, इसमें सबसे पहले मेन्यू में चावल बनाया जा रहा है, और यहाँ का जो एंटायर सेक्शन आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ चावल बनाया जाता है, चावल के धुलने से लेकर चावल के पकने तक। यहाँ एक और कर्नाटका का फेमस डिश है जिसको रागी बोल बोला जाता है, जिसकी प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बड़े कंटेनर में वो भी लकड़ियों के साथ रागी पाउडर को ब्लेंड किया जा रहा है, और ब्लेंडिंग के बाद उन्हें एक छोटी छोटी बोल में कन्वर्ट की जाएगी जिससे बच्चों के लिए ईजी हो जाती है सर्विंग में।
यहाँ पर हर काम के लिए स्पेशल लोग रखी गई है और सबसे पहले सब्जी काटने वाले आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ के खाने के लिए। यहाँ पर मेन करी सांभर और रसम होती है जो कि इन्हीं सब्जियों से बनाई जाती है और वो भी एक बड़े पतीले में, और सांभर मसाले भी बकेट में डाला जाता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, लोग यहाँ पे सिर्फ दर्शन और खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, उनसे जो हो सकता है वो यहाँ पे डोनेशन भी देते हैं जो कि गुरुकुल को बहुत ही हेल्प करती है ये सारा खाना बनाने के लिए। यहाँ पे हर डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट कंटेनर रखा गया है डोनेशन के लिए, जहाँ पर डिफरेंट वेराइटी के फूड रखी जाती है, चाहे वो चावल हो गया, आलू के बोरे हो गए, नारियल हो गया और भी बहुत कुछ। और यही तक थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा इस चैनल में। सो टिल देन पीस आउट।